आजाद हिंद फौज बनाई। जब आजाद हिंद फौज बनाई तो म्यांमार में उसके लिए चंदा किया। जब चंदा किया तो वहां एक बोहरा नहीं, वहां एक मेमन मुसलमान थे गुजरात के, उनका नाम था यूसुफ मारफानी। जैसे ही आप गूगल पर टाइप करेंगे यूसुफ मारफानी और एंटर करेंगे तो एक पेपर कटिंग खुल जाएगी। उस पेपर कटिंग में लिखा होगा कि आजादी की जंग में दूसरा सबसे बड़ा चंदा देने वाले यूसुफ मारफानी। उन्होंने 1.25 करोड़ रुपया सुभाष चंद्र बोस को दिया। जब वो 1.25 करोड़ रुपया सुभाष चंद्र बोस को देते हैं तो यूसुफ मारफानी के घर में एक नाबीना औरत थी, वो रोने लगी। तो नेताजी ने चेक तो लिया, लेने के बाद उस औरत की तरफ मुड़े, मुतवज्जो हुए, कहा माई क्यों रोती? कहा बेटा मैं गरीब हूं, अंधी हूं, इसलिए रो रही हूं कि मेरे पास 1 करोड़ नहीं है। अगर होता, वो मुसलमान औरत कहती है, अगर होता तो मैं भी तुम्हें इतना बड़ा चंदा देती। नेताजी ने कहा माई तुम्हारे पास कुछ है जो 1.25 करोड़ से बड़ा है? कहा क्या? कहा तुम अंधी हो? कहा हाँ। तुम्हारा सहारा कौन है? कहा एक बेटा है। कहा क्या नाम है उसका? कहा शाहनवाज। कहा शाहनवाज? कहा माई मेरी फौज में अपना शाहनवाज दे दो। उस बूढ़ी औरत ने आजाद हिंद फौज में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी जिंदगी का इकलौता सहारा, अपना बेटा शाहनवाज हुसैन दे दिया। और ये शाहनवाज हुसैन कैप्टन शाहनवाज के नाम से सारी दुनिया में मशहूर हुए। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने देखा, वो उस औरत का, नाबीना औरत का हाथ पकड़ के स्टेज पर ले आए और सबके सामने खड़ा कर दिया। कहा ए लोगों, इस बूढ़ी औरत को देख लो कि तुम्हें से जिसने भारत माता को नहीं देखा वो इस औरत को देख ले। आज दुनिया कह रही है भारत माता की जय तुम कहो, वो उसे इतिहास पढ़ना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये लफ्ज भारत माता किसके लिए इस्तेमाल किया था। कहा जिसने मुझे अपना बेटा दे दिया, अपनी जिंदगी का सरमाया दे दिया, वो तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम में से जिसने भारत माता को नहीं देख सके। यूसुफ मारफानी हैज एंटर्ड हिस्ट्री। व्हेन यू टाइप ऑन गूगल, जब आप गूगल पर उनका नाम एंटर करेंगे ये पेपर कटिंग खुल जाएगी। इसे पढ़िए, अपने नस्लों को पढ़ाइए, इसे दिखाइए। जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है दुनिया उसे भूल जाती है। एक बहुत बड़े थे उमर सुभानी, उन्होंने गांधी जी को एक चेक दिया और ये चेक था खाली चेक। बिपिन चंद्रा की किताब में लिखा हुआ, बिपिन चंद्रा की किताब आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़नी पड़ती है। इंडियन हिस्ट्री में कोई भी सवाल मॉडर्न हिस्ट्री का आप नहीं सॉल्व कर पाओगे जब तक बिपिन चंद्रा की किताब नहीं पढ़ोगे। उसमें लिखा कि उमर सुभानी ने एक ब्लैंक चेक दिया मोहनदास करमचंद गांधी को, गांधी जी को। गांधी जी ने चेक देखा तो कहा ये क्या है? कहा मेरे पास 4.25 करोड़ रुपया बैंक में है, वहां तक जितना चाहते उसमें भर लो, मैं देने को तैयार। गांधी जी भी पढ़े लिखे एडवोकेट थे, उन्होंने भी ऐसा आंकड़ा भरा कि सब लोग खुश हो गए। गांधी जी ने वहां चेक पे लिखा आज के बाद ता जिंदगी जितने लोग चरखा चला के सूत बनाएंगे वो सारा सूत तुम्हारी मिल खरीदेगी। उमर सुभानी ने कहा मैं आज से राजी हूं, आप जितना सूत बनाएंगे मैं आज से मशीन बनाने का, मशीन से बने सूत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं आज से आपके चरखे पे बने हुए सूत को खरीदूंगा। वो सूत खरीदते पैसा आता तो कांग्रेस चलती रहती, वो कांग्रेस जिसने हमें आजादी दिलाई उसका सारा फाइनेंस सूत बेचकर आता था किसको? उमर सुभानी को। इन्होंने आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा चंदा दिया। लेकिन इन दोनों से बड़ा मेरा ये शर्फ है और मेरे ये दिल का सुकून है, इनका नाम मैंने पूरी दुनिया में लिया, लेकिन आज मैं उनके शहर में उनका नाम ले रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा चंदा, दुनिया का कह रहा हूं, इंडिया का नहीं। गूगल से पूछ लेना, द हिंदू टाइप कर लेना, इंडियन एक्सप्रेस से पूछ लेना, द हिंदू अखबार से पूछ लेना, न्यूयॉर्क टाइम्स से पूछ लेना, टाइम्स ऑफ इंडिया से पूछ लेना। दुनिया का सबसे बड़ा चंदा आजादी की लड़ाई में नहीं, जब चीन ने हम पे हमला किया था 1962 में और हमारा देश कंगाल हो गया था, तब मीर उस्मान अली द नवाब ऑफ हैदराबाद,
इन्होंने 6 टन सोना भारत सरकार को दिया, 6 टन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या खुदा, मुझे नहीं पता था जब मैं ये बात बताऊंगा तो उनके ग्रैंडसन, उनके पोते यहां हमारे प्रोग्राम में मौजूद हो गए। एक बार दिलों की गहराई से इनका इस्तकबाल करिए। इनकी फैमिली ने वो किया है, मीर उस्मान अली साहब ने, लाल बहादुर शास्त्री खुद आए थे 6 टन सोना लेने। मीर उस्मान अली साहब ने 6 टन सोना संदूकों में भर भर के लाल बहादुर शास्त्री को दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत दिल से उनका शुक्रिया कहा। मीर उस्मान अली साहब तबीयत से एकदम सादे थे, मुड़कर कहते हैं बस एक इल्तजा है, कहा क्या? का सोना ले जाइए, पर जिन संदूकों में रख के दे रहा हूं वो मेरे बाप दादा की निशानियां, उन्हें लौटा दे। लाल बहादुर शास्त्री ने पेपर की कटिंग कर दी द डक्कन हेराल्ड, हर एक सोने का संदूक वापस भिजवाया था। मुसलमानों, तुम नहीं पढ़ते, ये बहुत सारी चीजों की वजह है। तुम अपनी औलादों को नहीं पढ़ाते, ये तुम पर आने वाली मुश्किलों की वजह है। तुम्हें सीखना चाहिए दुनिया में मेहनत करने वाली कौमों से। ये कहना आसान है कि ब्राह्मण हर जगह छाए हुए हैं, नहीं, मुझसे पूछिए, ब्राह्मणों से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। जितनी बार वो फेल होते हैं उतनी बार कमर कस के दोबारा एग्जाम की तैयारी करते हैं, और वो करते रहते हैं जब तक उन्हें कामयाबी ना मिल जाए। हम में से कितने इस बात पे राजी हैं कि आज से आधी रोटी खाकर आधी रोटी बचाकर अपने बच्चों को पढ़ाए। लोगो, तुम्हारे रसूल ने तुमसे कहा, पैगंबर आजम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म हासिल करने चीन तक जाना पड़े तो जाओ। क्या हम कभी अपने मोहल्ले से बाहर भी जाते हैं इल्म हासिल करें? पैगंबर आजम ने कहा, इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र के आगोश तक। क्या हमारी माएं अब इस लायक हैं कि वो हमें पढ़ा सके? कि हमारी माएं इस लायक हैं कि वो किताब की कोई इबारत हमें समझा सके? हमने अपने आप को लगभग खत्म कर लिया है। यूपीएससी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये